वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है हेलो फ्रेंड्स यह एनसीएल माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन का पार्ट थ्री वीडियो है इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो अपलोड हो चुका है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए उसमें पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पच्चीस तक और पार्ट टू में छब्बीस से लेकर पचास तक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है तो पहले वो दोनों वीडियो को देख लीजिए फिर उसको देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा इसमें इक्यावन से लेकर क्वेश्चन नंबर पचहत्तर तक होने वाला है तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं

या फिर उनके द्वारा निष्कर्ष कर लेने के बाद उसकी नियुक्ति होती है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू डी जी एम एस कम्स अंडर जो डी जी एम एस होता है जहाँ से सर्टिफिकेट जारी होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो इसके ऑप्शन है ए कोल मिनिस्ट्री बी एनर्जी मिनिस्ट्री सी लॉ मिनिस्ट्री और ऑप्शन डी है लेबर मिनिस्ट्री तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत डी जी एम एस आती है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री डस्ट जनरेशन में भी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग विद जो डस्ट डस्ट जनरेशन होता है यानी कि डस्ट जो माइन्स में बनता है वो किसके द्वारा ड्रिलिंग करने पर उसको कम किया जा सकता है तो इसके ऑप्शन है ए ब्लंट बीट बी हाई स्पीड सी लो स्पीड और ऑप्शन डी है शार्प बीट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शार्प बीट यानी कि जितना तेज बीट रहेगा शार्प रहेगा तो ही डस्ट का जो उत्पत्ति होगी वो कम होगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर सॉइल इज फाउंड जो सॉइल होता है यानी कि मिट्टी होती है वो कहाँ पे पाया जाता है इसके ऑप्शन से ए बिलो सीम बी एब कोल सी टॉप ऑफ डी है एट बॉटम तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉप ऑफ सबसे ऊपर ही मिट्टी पाई जाती है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज इन जो होता है ऑडियो विजुअल अलार्म ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसके ऑप्शन है ए बेल्ट कन्वेयर बी व्हीकल यूज इन माइंड सी क्रशर और ऑप्शन डी है रेस्ट शेल्टर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हीकल यूज इन माइंस जो भी व्हीकल गाड़ियाँ इस्तेमाल होती माइंस में वहीं पे एवीए का इस्तेमाल किया जाता है फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है फिफ्टी सिक्स काउज ऑफ राजमहल माइंड डिजास्टर विच ऑकर्ड इन टू थाउजेंड सिक्सटीन जो राजमहल माइंड डिजास्टर हुआ था वो किस कारण से हुआ था ये उनतीस दिसंबर दो को हुआ था इसके ऑप्शन से ए ब्लास्टिंग बी फायर सी आर्थक्वैक और ऑप्शन डी है स्ट्राटा फेल्योर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राटा फेल्योर इसमें लगभग तेईस लोगों की मौत हो गई थी इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन गार्लैंड ड्रेन इज डैश जो गार्लैंड ड्रेन होता है गार्लैंड नाला होता है वो मतलब क्या होता है ऑप्शन ए ए वाटर ड्रेनेज बी ड्रेनेज ऑफ स्पॉइल सी पोटहॉल और ऑप्शन डी है ए डैम तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गार्लैंड जो होता है एक वाटर ड्रेनेज वाटर का पार होने के लिए या फिर वाटर को जमा करने के लिए एक जगह होता है जिसको गार्लैंड बोला जाता है इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है फिफ्टी एट वीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट इनमें से कौन से जो है हम लोग को डस्ट से बचाता है इसके ऑप्शन है एयर मफ बी सी मास्क ऑप्शन डी ऑल ऑफ क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मास्क जो है सो डस्ट से हम लोग को बचाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है फिफ्टी नाइन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन इज जो माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो कितना होता है इसके ऑप्शन से ए सेवेंथ बी मैट्रिक सी ग्रेजुएट और ऑप्शन डी इंटरमीडिएट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरमीडिएट पहले जो सी एम था उसमें मैट्रिक था पर 2017 के अनुसार इसको intermediate कर दिया क्वालिफिकेशन माइनिंग सरदार के लिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है सरदार एग्जामिनेशन यानी कि कम से कम कितना हाइट होना चाहिए कोई भी माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन को देने के लिए तो इसके ऑप्शन ए पांच फीट बी फीट सी साढ़े पांच फिट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द क्वेश्चन का राइट आंसर एनसीएल में दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव यानी कि पांच फीट छाँच फीट फीट कोई भी हाइट होने पर वो एलिजिबल हो जाएगा माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन को देने के लिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी माइनिंग स्टिक इज यूज फॉर जो माइनिंग छड़ी या फिर स्टिक इस्तेमाल किया जाता है जो माइनिंग सरदार ओवर में यूज करते हैं वो किस लिए यूज किया जाता है इसके ऑप्शन से ए बीटिंग पर्सन बी टेस्टिंग रूफ एंड साइड सी सपोर्टिंग रूफ और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो माइनिंग स्टिक है रूफ और साइड को ठोक ठोक करके टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो होता है हमारे शरीर का वो कितना होता है इसके ऑप्शन से ए फिफ्टी बाई नाइन्टी बी सेवेंटी बाई वन टेन सी 100 हंड्रेड बाय फोर्टी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 मिनिमम 70 होना चाहिए और मैक्सिमम 110 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है किसी भी मनुष्य का इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 थ्री हिट स्ट्रोक यहाँ पे हिट स्ट्रोक होना चाहिए क्योंकि मैंने खोज के देखा तो हिट स्ट्रोक वर्ड मिला इज ड्यू टू जो लू लगता है वो किस कारण से लगता है किसी भी मनुष्य को तो इसके ऑप्शन से ए स्विमिंग इन वाटर बी ड्यू टू एक्स्ट्रीमली हॉट वेदर और ऑप्शन सी है ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाउड कॉल्ड होना चाहिए यहाँ पे और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुत ही तेज गर्मी या फिर बहुत ही, आ, हीट लगने से शरीर में मतलब कि जो लू लग जाती है किसी भी व्यक्ति को तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर हाइट ऑफ बर्मीज ये ओपन कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बर्म बनाया जाता है माइनस में रास्ते के किनारे वो उसका हाइट कितना होना चाहिए इसके ऑप्शन से ए एक मीटर बी डायमीटर ऑफ व्हील सी फाइव मीटर और ऑप्शन डी है हाइट ऑफ व्हीकल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ व्हील डायमीटर ऑफ व्हील के हाइट के बराबर बर्म का हाइट रखा जाएगा उससे कम नहीं रखा जाएगा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव ओमेन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइंड जो एक महिलाएं होती है वो माइंड में कितने बजे से कितने बजे तक ला होती काम करने के लिए तो इसके ऑप्शन है ए बिटवीन सेवन सेवन पी एम टू सिक्स एम ऑप्शन बी बिटवीन सिक्स एम टू सेवन पी एम ऑप्शन सी बिटवीन ब्रेक टाइम और ऑप्शन डी है बिटवीन टेन एम टू फाइव पी एम तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिटवीन सिक्स ए एम टू सेवन पी एम लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले डीजीएमएस ने सर्कुलर लाया है जिसमें चौबीसों घंटे महिलाएं काम कर सकती है इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्सटी सिक्स रिटायरमेंट एज ऑफ वर्क इज किसी भी सेवानिवृत्त जो व्यक्ति होते हैं जो रिटायरमेंट एज होता है तो वो कितना होता है मैक्सिमम एज रिटायरमेंट का कितना है इसके ऑप्शन ए फिफ्टी एट ईयर बी सिक्सटी टू ईयर्स सी सिक्सटी ईयर्स और ऑप्शन डी है सिक्सटी फाइव ईयर्स तो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्सटी यानी मैक्सिमम एज किसी भी इम्प्लॉय का, का काम करने का वो साठ साल है इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है हमारा यहाँ पे इन अ माइन हाउ मेनी स्टेटरी मैनेजर्स आर पोस्टेड कोई भी माइन में एक माइन में मतलब वैधानिक जो मैनेजर होगा कितना रखा जाएगा जो बहुत ही मैंडेटरी है तो कितने मैनेजर रखे जाएंगे किसी भी माइंड में इसके ऑप्शन से ए टू बी थ्री सी वन और ऑप्शन डी है नॉन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वन एक मैनेजर से एक माइंस चल जाएगा काफी है किसी भी माइंड में इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट हु इज नॉट द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन अ माइंड इनमें से कौन जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम अधिकारी नहीं है इसके ऑप्शन से ए मैनेजर बी एजेंट सी ओनर और ऑप्शन डी ए सर्कल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्कल ऑफिसर सर्कल ऑफिसर जो होता है वो एक सक्षम अधिकारी नहीं होता है माइन के लिए इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन सर्वेयर इज डिप्लॉयड इन अ माइन फोर जो भी सर्वेयर माइन में डिप्लॉय किया जाता है नियुक्ति की जाती है वो क्यों किया जाता है इसके ऑप्शन से ए रिपेयरिंग प्लान बी अपडेटिंग प्लान सी डेली रूटीन सर्वे और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दबॉब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल ऑल ऑफ दबॉब यानी कि सर्वेयर को प्लान भी बनाना पड़ता है उसे अपडेट भी करना पड़ता है और डेली सर्वे भी करना पड़ता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसके बाद आज का ये माइनिंग का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द मेन यूज ऑफ कोल इन इंडिया इस यानी कि इंडिया में सबसे जो मेन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोयला का वो कहाँ पर किया जा जाता जा है फिर क्या उसका उपयोग है इसके ऑप्शन ए फ्यूल फॉर कोकिंग बी फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन सी फॉर पावर जनरेशन और ऑप्शन डी है फॉर फार्मिंग तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सबों को पता भी होगा ऑप्शन सी पावर जनरेशन के लिए ही सबसे ज़्यादा कोयला का इस्तेमाल किया जाता है फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी से जो कि नॉन टेक्निकल है यहाँ से हम लोग पांच क्वेश्चन देख लेंगे फिर अगले वीडियो में जो भी नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन पच्चीस क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम लोग एक साथ में डिस्कस कर लेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट एक्टर टू गेट ऑस्कर अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था इसके ऑप्शन से ए मेरी बी फेयरबैंक्स सी जेनेट गेनर और C, डी है चार्ली चैपलिंग तो इस क्वेश्चन के अनुसार से जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जेनेट गेनर एक लेडी थी और अकॉर्डिंग टू गूगल या विकिपीडिया एमिल जेनिंग्स था पहला अवार्ड लेने वाला मेल में इसके बाद दूसरा क्वेश्चन uh, है विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज नहीं कि किस कंट्री के द्वारा जो है सो नोबेल प्राइज दिया जाता है तो इसके ऑप्शन से ए आयरलैंड बी स्वीडन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी अमेरिका तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल अब अल्फ्रेड नोबेल ने ही नोबेल प्राइज को देने के देने की शुरुआत की थी जो स्वीडन का रहने वाला था इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन है वीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाइएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इनमें से जो कौन सा है लिटरेचर के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा भारत का जो सम्मान होता है वो दिया जाता है अवार्ड जो दिया जाता है इसके ऑप्शन से ए व्यास सम्मान बी कालिदास सम्मान सी ज्ञानपीठ अवार्ड और डी है सरस्वती सम्मान तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सो साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है भारत में इसके बाद हमारा आज का दो क्वेश्चन है जो बच जा रहा है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है नो टोबैको डे फॉल्स जो नो टोबैको डे कब मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन से ए जून थर्टी बी मे थर्टी वन सी अप्रैल थर्टी और ऑप्शन डी है सितंबर थर्टी वन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी मे थर्टी वन को नो टोबैको डे मनाया जाता है इसके बाद अगले लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर पाँच वेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व यानी कि जो जनसंख्या दिवस है पॉपुलेशन डे दिवस है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है या फिर किस दिन मनाया जाता है इसके ऑप्शन ए जून सेवन बी जुलाई सेवन सी जुलाई इलेवन और ऑप्शन डी है जुलाई अट्ठाईस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई इलेवन जुलाई ग्यारह ग्यारह जुलाई को जो है सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है तो आज के लिए बस इतना ही मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन है एनसीएल किस कोलफील्ड के अंतर्गत आता है जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है वो किस कोलफील्ड्स के अंतर्गत आता है इसके ऑप्शन से ए कोलफील्ड्स बी सिंगरेनी कोलफील्ड्स सी तालचर कोलफील्ड और डी है सोनभद्र कोलफील्ड्स तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दोस्तों अंत में मैं आप सबों से कहूँगा कि वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कीजिए और अंत में चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार